फ्री सब्सक्राइब कीजिए जवाबी बाबा चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, रोज पाएं ऑसम नॉलेज वीडियोस। तो दोस्तों, आपने थंबनेल बिल्कुल ठीक क्लिक किया है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ CDN यानी कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के बारे में। क्या होता है, क्या इसका इस्तेमाल होता है, कौन इसका यूज़ करता है, फ़ायदे क्या है CDN के, सब बात करेंगे इसके बारे में। देखते रहिए इस वीडियो को आगे। मेरा नाम है हुसैन, आप देख रहे हैं जवाबी बाबा चैनल। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, CDN की फुल फॉर्म होती है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अगर हम इसके मतलब को इसकी फुल फॉर्म से ही समझें तो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क यानी कि कंटेंट की डिलीवरी करने के लिए जो नेटवर्क है, ये जो सर्विसेज बनी हुई हैं, थर्ड पार्टी सर्विसेज ज़्यादा होती हैं जो कि इस तरीके की सर्विस देती हैं, और इसी को हम CDN कहते हैं। देखिए, कॉन्टेंट कुछ भी हो सकता है, राइट? जो भी चीज़ आपको स्क्रीन से चिपकाए रखती है उसको हम सीधे भाषा में कंटेंट कहते हैं। आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, हंगामा पे गाने सुन रहे हैं, कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, तो उन सब पे आप कंटेंट देख रहे हैं, राइट? अच्छा कंटेंट आपको स्क्रीन से चिपकाए रखता है। तो जो कंटेंट प्रोड्यूसर्स होते हैं वो चाहते हैं कि उनके कंटेंट का दायरा बढ़े, दूर दूर तक लोग उस कंटेंट को एक्सेस कर पाए। अब मान लीजिए फेसबुक है या यूट्यूब है, ये सब अमेरिकन कंपनीज हैं, इनके सर्वर्स अमेरिका में लोकेटेड है, लेकिन इंडिया, बांग्लादेश, रशिया, दुनिया के किसी भी कोने से आप इनको एक्सेस कर पाते हैं। कैसे कर पाते हैं? क्योंकि ये CDN की सर्विसेज यूज़ करते हैं। CDN थर्ड पार्टी सर्विसेज होती हैं जिनका काम ही ये होता है कि किसी भी कंटेंट को ज़्यादा बड़े लार्ज एरिया में कवर कर देना। यहाँ पे मैं ज़्यादा बड़े लार्ज एरिया मतलब पूरे अलग अलग देशों की बात कर रहा हूँ कि अमेरिका का सर्वर अगर कोई इंडिया में बैठ के एक्सेस कर रहा है तो उसको फील नहीं होगा, कुछ भी लैग टाइम फील नहीं होगा, कुछ भी डिले फील नहीं होगा, कंटेंट फटाफट विद इन नैनो सेकेंड्स आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। ये सब कुछ पॉसिबल होता है CDN की वजह से। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। मान लीजिए कि एक रेस्टोरेंट है, दिल्ली में सेंट्रली लोकेटेड है, कनॉट प्लेस में, उसका खाना बहुत अच्छा है, लोग जो आसपास उस रेस्टोरेंट के रहते हैं वो खाना ऑर्डर करते हैं, रेस्टोरेंट फटाफट खाना डिलीवर कर देता है। लेकिन अब अगर उस रेस्टोरेंट को अपना दायरा बढ़ाना है, अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो वहीं सेंट्रली लोकेटेड अगर रहेगा, वहाँ से वो दिल्ली के दूर दराज के एरियाज़ में इतनी डिलीवरी नहीं दे पाएगा। अगर देगा भी वहाँ तो लोगों को पसंद नहीं आएगा, ठंडा खाना कौन खाएगा, एक एक घंटा डेढ़ घंटा अगर डिलीवरी में लगेगा तो ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए उस रेस्टोरेंट को क्या करना चाहिए, अपनी ब्रांचेस बढ़ानी चाहिए दिल्ली के अलग अलग पॉइंट्स पर, स्ट्रैटेजिकली ज्योग्राफिकली उनकी लोकेशन ऐसी चूज करनी चाहिए कि दिल्ली में जहाँ से भी ऑर्डर आए वो उसकी डिलीवरी दे पाए। तो कुछ ऐसा ही सिमिलर केस आप CDN के साथ भी लगा लेते हैं। जो कुछ भी आपके वेब पेज का जो एसेट है, जो कि कैश हो सकता है, इट कुड बी जावास्क्रिप्ट्स, इट कुड बी इमेजेस, इट कुड बी CSS स्टाइल शीट, जो भी उस पेज का स्टैटिक कंटेंट है जो कि आसानी से कैश हो सकता है, CDN के ज़रिए क्या होता है, वो जो कैश होने वाली चीज़ें जिनका कैश करना सेंस बनता है, वो सारी की सारी चीज़ें कैश कर ली जाती हैं CDN के ज़रिए। CDN को आप ऐसे कह लेते हैं कि स्ट्रैटेजिकली प्रॉक्सी सर्वर्स आर क्रिएटेड हु आर लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस ज्योग्राफिकली, सो दैट योर कंटेंट कैन बी प्रोवाइडेड टू अ वास्ट एरिया, राइट? जैसे कि एक अमेरिका की वेबसाइट है, उसने CDN के साथ पार्टनरशिप करी, उस CDN के सर्वर्स पूरी दुनिया में स्ट्रैटेजिकली ऐसे ऐसे पॉइंट्स पर लोकेटेड है, जैसे इंडिया में एक ऐसी जगह लोकेटेड है जहाँ से सारी इंडिया को कवरेज मिल सकती है, रशिया में एक ऐसी जगह लोकेटेड है इससे, तो यहाँ पर जो मेन ओनर है कंटेंट का, उसको दुनिया भर में अपनी ब्रांचेस खड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, सर्वर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, फिजिकल एसेट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या करेगा, CDN काम ही यही है उनका, थर्ड पार्टी सर्विसेज का, तो वो इनकी प्रोफेशनल सर्विसेज लेगा और इनको बोलेगा कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, इसका जो मेन सर्वर है वो यहाँ लोकेटेड है, मेरे को CDN सर्विसेज चाहिए। CDN क्या करते हैं, वो अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस पर अपने प्रॉक्सी सर्वर्स उस ओरिजिनल वेबसाइट को दे देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो वेबसाइट है वो होस्ट होना वहाँ से शुरू हो जाती है दूसरी लोकेशन से, नहीं, बल्कि वो प्रॉक्सी सर्वर्स पर जो भी कॉन्टेंट आसानी से कैश हो सकता है, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो, CSS स्टाइल शीट हो, इमेजेस हो उस वेबसाइट की, जो कुछ भी आसानी से कैश हो सकता है वो सारे के सारे वेब एसेट्स वहाँ पर उन प्रॉक्सी सर्वर्स में कैश होते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि मान लीजिए अमेरिका के ओरिजिनल सर्वर से वेबसाइट होस्ट हो रही है,
लेकिन CDN के ज़रिए एक इंडिया में भी उसका एक प्रॉक्सी सर्वर लोकेटेड है, तो इंडिया से अगर कोई यूज़र उस वेबसाइट को एक्सेस करता है तो वो जो कॉल जाती है वो बजाय डायरेक्टली अमेरिकन सर्वर के पास जाने से पहले जाती है उस इंडियन प्रॉक्सी सर्वर के पास, और वहाँ से जो कुछ भी स्टैटिक कंटेंट पहले से वहाँ पर कैश है पहले वो लोड हो जाता है, और उसके बाद अगर कुछ डायनामिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो उसके लिए वो सर्वर को भी कॉल जाती है। तो ये जो मिला जुला काम होता है, इससे कुल मिला के फ़ायदा ये होता है कि आपका जो कॉन्टेंट है वो ईजिली फास्टली लोड हो जाता है और आपको ये पता भी नहीं लगता। ये जो मैं बता रहा हूँ इसको बताने में इतना टाइम लग रहा है, बट अगर हम रियल में बात करें तो ये काम नैनो सेकंड्स में होता है। आजकल 50 Mbps 100 Mbps का ज़माना है जो आप स्पीड अपनी मोबाइल की जेब में लेके चलते हो, तो आज के ज़माने में अगर कोई भी वेबसाइट 5, 6, 7 सेकंड लगाएगी तो लोग उस वेबसाइट के साथ अपना टाइम नहीं लगाएंगे, वो फटाफट किसी दूसरी वेबसाइट के पास चले जाएंगे। अगर फेसबुक धीरे लोड होना लग जाए तो धीरे धीरे लोग फेसबुक से किनारा करके किसी और सोशल प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे। तो इसलिए कोई भी बिजनेस, कोई भी कंटेंट प्रोवाइडर ये अफोर्ड नहीं कर सकता है कि उनकी वेबसाइट, उनका कंटेंट लोगों के डिवाइस पे धीरे लोड हो। तो अपने कंटेंट को स्पीड से फास्ट लोड कराने के लिए वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, और इसीलिए इन CDN की प्रोफेशनल सर्विसेज लेते हैं। तो CDN की ज़रूरत हमारे और आपके जैसे इंडिविजुअल्स को नहीं पड़ती है, ज़्यादातर बिजनेस को ही पड़ती है, क्योंकि एक बिज़नेस चाहता है कि उसका जो कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा बड़े एरिया तक पहुंच सके, बिज़नेस बढ़ाने के लिए, अपने यूज़र्स को बढ़ाने के लिए। और इसके बहुत सारे दूसरे भी फ़ायदे होते हैं। इसका एक फ़ायदा सिक्योरिटी थ्रीट्स में भी मदद मिलती है कि अगर आपकी वेबसाइट, आपने अगर DOS का नाम सुना होगा, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है, जिससे कि ज़्यादा लोड आपके सर्वर्स पे भेज के उनको क्रैश करने की कोशिश करी जाती है, तो इस तरीके की कुछ सिक्योरिटी थ्रीट्स होती हैं जिनसे लड़ने में मदद मिलती है। और इससे ज़्यादा जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है CDN का, वो तो यही है कि लोड टाइम को, कॉन्टेंट लोड टाइम को ड्रामेटिकली रिड्यूस कर देता है, बाउंस रेट में काफ़ी रिडक्शन मिलता है। अगर आपको बाउंस रेट नहीं पता तो आप मेरे वीडियो को रेफर कर सकते हैं, अगर यहाँ कहीं आई का बटन आ रहा हो तो आप उसको दबा सकते हैं, बाउंस रेट क्या होता है उसमें मैंने डिटेल में बताया है। लेकिन कुल मिला के कॉन्टेंट के लिए बाउंस रेट जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। जो भी कॉन्टेंट प्रोवाइडर्स होते हैं अपने कॉन्टेंट को लगातार लोगों तक पहुँचाने के लिए उनको बैंडविड्थ चार्जेस देने होते हैं। जैसे मेरी अगर वेबसाइट है और मेरी वेबसाइट दुनिया में हज़ारों लोग अगर यूज़ कर रहे हैं, तो जितनी बार भी वो मेरी वेबसाइट खोलते हैं उसके उसमें मेरी बैंडविड्थ यूज़ हो रही है, मेरे को बैंडविड्थ के मुझको भी पैसे देने पड़ते हैं। तो जब हम CDN यूज़ करते हैं और CDN की वजह से जो मेरा कॉन्टेंट है वो फास्ट लोड होता है, और मेरे वेबसाइट के कई सारे पार्ट्स को, कई सारे वेब एलिमेंट्स को मैं कैश करवा रहा हूँ, जिससे कि होता क्या है कि मेरी बैंडविड्थ जो है वो कम खर्च होती है। आप समझ रहे हैं, मेरी वेबसाइट में अगर कुछ स्टैटिक कंटेंट है जो कि डायनामिकली चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मेरी वेबसाइट के मेन पेज में कुछ बैनर हो गया, कुछ मेरे फुटर में कुछ इमेज हो गई, कुछ ना कुछ स्टैटिक पेज पूरी वेबसाइट में आप अगर एक ही वक्त में, एक ही दिन में 3 बार खोलेंगे तो लगातार उसमें कुछ चेंज नहीं होता, कई सारी चीज़ें सेम होती हैं, स्टैटिक होती हैं। तो CDN का एक ये फ़ायदा भी होता है कि जो स्टैटिक कंटेंट है वो कैश हो जाता है, और जिससे, और वो प्रॉक्सी सर्वर से वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो मेरी बैंडविड्थ यहाँ पर कम हो रही है, आप समझ रहे हैं ना। तो जब मेरी बैंडविड्थ कम यूटिलाइज हो रही है, ये एक दो सेशंस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर हम एक बड़ी वेबसाइट की, एक बड़े बिजनेस की बात करें जहाँ पर मिलियंस ऑफ विजिट्स हो रही हैं, ठीक है, बिलियंस ऑफ टाइम स्पेंड हो रहा है उन वेबसाइट्स पर, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जिसकी सेविंग हो सकती है। तो बैंडविड्थ चार्जेस में बहुत ज़्यादा सेविंग होती है उन बिजनेसेस की जो CDN को यूज़ करते हैं। जब आपकी वेबसाइट पे, जब आपके कंटेंट पे ट्रैफिक बढ़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से स्लो डाउन, आप परफॉर्मेंस इश्यूज़ आने के चांसेस होते हैं। जब आप CDN का यूज़ कर रहे हैं तो CDN का पर्पज़ ही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आपके साथ जोड़ पाए, क्योंकि आपके वेबसाइट का, आपके कंटेंट का बहुत ज़्यादा हिस्सा वो लगातार कैश करता रहता है। तो इससे मदद मिलती है कि ज़्यादा ट्रैफिक होने पर भी स्लो डाउन के चांसेस कम रहते हैं और आपके यूज़र्स को एक बेटर परफॉर्मेंस मिलती है। CDN के ज़रिए जब आप बहुत ज़्यादा प्रॉक्सी सर्वर से जुड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो एक लोड बैलेंसिंग एक एक्टिविटी होती है, जिसमें आप ऑटोमेटिकली रूल्स क्रिएट कर सकते हैं, और आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम CDN प्रोफेशनली करते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक स्पाइक जब होता है तो वो ऑटोमेटिकली लोड बैलेंसिंग कर देते हैं अलग अलग सर्वर्स में, जिससे कि सर्वर्स पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ता और आपके ट्रैफिक को एक बेटर परफॉर्मेंस मिलती है, स्लो डाउन परफॉर्मेंस इश्यूज़ नहीं आते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। इस तरीके की टेक्नोलॉजी की वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर बनाता रहता हूँ। मुलाकात होगी अब आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।